पीयूष किचन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंगो शीरा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 1 कप मैंगो पल, 1 कप शक्कर, 1/2 कप घी। यहाँ मैंने थोड़े दूध में केसर भिगो के रखा है, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और यहाँ मैंने कुछ काजू और बादाम को काट के रखा है। यहाँ मैंने 2 कप दूध लिया है और 1 कप पानी लिया है। आप चाहे तो दूध और पानी को सेम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई या पैन लेंगे और उसे हम गैस पर गर्म होने रखेंगे। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें घी डालेंगे। घी अब गर्म हो गया है तो अब हम इसमें सूजी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और सूजी को अच्छे से भून लेंगे। देखिए अब 4-5 मिनट हो गई है, मैं सूजी को भून रही थी और सूजी लगभग भुन गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और नमक भी डालेंगे। नमक डालने से शीरा का टेस्ट और भी अच्छा आएगा और इसे अच्छे से और 1 मिनट तक भून लेंगे। तो अब देखिए सूजी और ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए पानी डालने से सूजी फूलने लगी है और अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने, और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और दूध डालते जाएंगे और दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने तक इसे मिक्स करेंगे। देखिए अब दूध एब्जॉर्ब हो गया है और रवा अच्छे से फूल गया है। अब हम इसे थोड़े 2-3 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, सूजी देखिए अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसमें शक्कर डालेंगे और शक्कर अच्छे से सूजी के साथ मिक्स करेंगे। देखिए अब शक्कर डिसॉल्व होने लगी है तो अब मैं इसमें केसर वाला दूध डालूंगी। इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें मैंगो का पल्प डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर छोड़ देंगे। चलिए 5 मिनट हो गई है, अब चेक कर लेते हैं। वाओ, देखिए बहुत ही खूबसूरत रंग आया है और बहुत ही डिलीशियस और टेम्प्टिंग लग रहा है। हमारा मैंगो शीरा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।